मॉर्निंग पापा, चाय वगैरह पी ली पापा, बाहर घूम लिए? ठीक है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हम सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, आज है ट्यूसडे और आज है सेकेंड नवरात्रा। तो अभी गाइज नहा धो के पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है और अभी मेरी तैयारी हो रही है काम पे जाने की। पापा जी भी देखो उठ गए, बाहर घूम घाम के भी आ गए हो और अभी मैं जाता हूँ बाहर घूमने। बाहर घूमने बोले तो ऑफिस के लिए। बैग रेडी कर दिया भाभी ने, तो सामान रखना है एक। जी मेरे शू रेडी है। अब एक स्टैंडी लेके आनी पड़ेगी मेरे को, ये हाथ में पकड़ के फिर ऐसे तैयार होना फिर नहीं चल रहा है ना, लानी पड़ेगी बहुत जल्द। चलो पापा, ठीक है, बाय। चलो भाई पापा, हाँ तब तक अभी चाय वाय पी लो, सो जाना थोड़ी देर और, हैं रेस्ट कर लो अभी। आजकल जो भी गली से निकलो सुबह सुबह माता रानी के सॉन्ग सुनने को मिलता है, इतना अच्छा लगता है ना, क्या बताया अभी। आजकल क्या है, आज मैंने रियलाइज़ किया काफ़ी वेदर चेंज था, क्योंकि सर्दी वाली फीलिंग लग रही थी। आजकल मैं क्या रात में एक पे फ़ैन ऑन करके सोता हूँ, साथ में एग्जॉस्ट भी चला के, पर इतनी ठंड लग रही थी कि क्या बताऊँ, अभी बहुत ठंड लग रही थी सुबह के टाइम में। फिर मैंने पापा जी को बोला कि पापा जब आप वॉक से उठो वॉक करने के लिए ना सुबह, तो ये एग्जॉस्ट और पंखा बंद कर दिया करो सुबह के टाइम में, क्योंकि बहुत सर्दी लग जा रही है। फिर शाम को आजकल क्या है, मैं बाहर बार भी कम ही जा रहा हूँ, क्योंकि 9 दिन तक नवरात्र है ना, तो 9 दिन तक पापा जी भी कह रहे थे कि 9 दिन तक वैसे वो कह रहे थे मंदिर वंदिर चला जाइए कहीं, पर बाहर मत जा कहीं यहाँ वहाँ घूमने के लिए। तो अभी देखो क्या होता है, वैसे भी मैंने भी प्रोग्राम बनाया कि नहीं जाऊँगा कहीं, बट मंदिर वंदिर जाने का प्रोग्राम आया तो फिर ज़रूर जाऊँगा मैं। जैसे पिछले नवरात्र में चले थे अप्रैल में, जो अप्रैल में आए थे, तो मैं और रंजीत गए थे छतरपुर के मंदिर। तो इस बार ही देखो कहाँ जाने का, अगर प्रोग्राम बनेगा तो मंदिर में तो जाएंगे, रेखा दी की फैमिली इसके साथ जाएंगे, रेखा दी की फैमिली और मैं, पापा भाभी भैया हम लोग जाएंगे अगर प्रोग्राम बना तो। अगर भैया को छुट्टी मिली तो, नवरात्र के टाइम पे तो वैसे भैया को छुट्टी नहीं मिलती, उनका बहुत काम बन जाता है, तो फैमिली के साथ जाने में एक अलग मज़ा आता है। हम अकेले जाएंगे तो वो एक अलग वो है, साथ घूमने में फैमिली के साथ अलग ही मज़ा। आप लोगों ने भी देखे मेरे ब्लॉग में कितना अच्छा लगता है, फन करते हैं साथ में हम लोग। जैसे करनाल में हम लोग सारे के सारे निकलते हैं घूमने के लिए, तो कितना अच्छा लगता है, एक दूसरे के टांग खींचते हैं, मज़ा आता है मतलब कॉमेडी करने में। तो अकेले में क्या है कि हालांकि मैं आप लोग से शेयर करता रहता हूँ, बातें करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बट साथ रहने में जो होते हैं ना एक कंपनी मिल जाती है, वो और मज़ा आता है। तो अभी गाइस घर में पहुँच गया हूँ और इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी खासी धूप के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि सर्दी आ गई है, सर्दियों वाली धूप की फीलिंग आई है, मस्त एकदम। सो गए पापा जी, पापा होगी नींद पूरी? हाँ, कितने बजे सोए थे? बस क्या, बस मतलब कितने बजे सोए थे? क्या, कभी भी सो जाता हूँ। खाना कभी खाया? कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे खाया था खाना। सुबह का ब्रेकफास्ट कब किया? 9 बजे। 9 बजे 10 बजे? 9 बजे किया। अच्छा ठीक है, टाइम टाइम पर खाया करो खाना वाना, है ना। तो अभी गाइस पूजा वगैरह भी कर ली है शाम की और अभी पापा जी बाहर घूम रहे, मैं भी थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए चलता हूँ। खाना खा लो पापा, खा लिया आपने? हाँ ठीक है। तो अभी गाइस डिनर करते हैं अभी। तो अभी गाइस डिनर में है दाल और रोटी, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ बस, है ना पापा जी, है ना पापा। पापा जी का ध्यान अभी मेरी तरफ नहीं है, वो अभी टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते वो कब सो जाते हैं वो ना हमें पता लगता है ना उनको पता लगता है क्यों कब सो जाते हैं। तो अभी गाइस डिनर वगैरह भी कर लिए, अभी कर रहा हूँ एडिटिंग, उसके बाद फिर सो जाऊँगा। आजकल सुबह में थोड़ा जल्दी भी उठना हो रहा है, ऑफिस के टाइम से थोड़ा जल्दी ही उठना हो रहा है क्योंकि आजकल नवरात्र चल रहे हैं उस वजह से। तो अभी गाइस इस ब्लॉग को करता हूँ यही बैंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।
पापा जी सो भी गए। टीवी देखते देखते टुल।